पहले शारजा रुक जा, पहले शारजा ना चल रही, मेरा कहने ना मान रही, अपनी बात पूरी कर रही, कहने ना मान रही, मेरे कहने ना प्यार है, प्यार का ही वादा है हमारा। पाकिस्तानी सीमा हैदर के प्यार में दीवाने हुए हिंदुस्तान के सचिन, जब से पाकिस्तान की सीमा को पाकिस्तान में छोड़ने की उठी बात, तब से सचिन का हुआ बुरा हाल। सचिन ने दी खुलेआम धमकी, अगर सीमा हैदर को छोड़ा पाकिस्तान तो बुरा होगा इसका अंजाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 एजेंसिया में, मैं हूँ पूनम अधिकारी। पाकिस्तान की सीमा हैदर जब से हिंदुस्तान में आई है, तब से हर कहीं तहलका मचा हुआ है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के भी कई लोग अब सीमा हैदर के खिलाफ हो चले हैं। और अब इस पूरी प्रेम कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, सीमा के पति या फिर आप कह सकते हैं सीमा हैदर के प्रेमी सचिन ने अब खुलेआम धमकी दे दी है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सचिन अब सीमा के प्यार में पूरी तरह से दीवाने हो चुके हैं और उनका कहना है कि अगर सीमा को पाकिस्तान छोड़ा गया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या है ये पूरी खबर वो बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी एटीएस लगातार सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के दौरान सीमा ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं यूपी एटीएस के दिमाग में भी अब सीमा हैदर को लेकर शक गहरा गया है। शक इस बात का है कि क्या सचमुच सीमा हैदर एक सच्ची प्रेमिका है या फिर एक पाकिस्तानी जासूस है, जिसके बाद अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है जल्द ही सीमा हैदर को वापस उनके 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद से न सिर्फ पाकिस्तान की सीमा हैदर बल्कि साथ ही सीमा हैदर के हिंदुस्तानी पति सचिन की भी अब हालत खराब हो चली है। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही है कि जब से सचिन को इस बात का पता चला है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, तब से सचिन ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। सचिन पूरी तरह से टेंशन में आ गए हैं। सचिन का कहना है कि वो सीमा हैदर से बेहद प्यार करते हैं और साथ ही वो सीमा हैदर के 4 बच्चों को अपनाने के लिए भी तैयार हैं। सचिन का कहना है कि वो सीमा हैदर का उसी तरह से ख्याल रखना चाहते हैं जैसे कि एक जिम्मेदार पति रखता है। फिलहाल सचिन किसी भी कीमत में सीमा हैदर को खोना नहीं चाहते, इसलिए सचिन इस वक्त काफी टेंशन में है। सचिन को इस बात की टेंशन है कि कहीं इतनी मुश्किल के बावजूद जो उन्हें सीमा मिली है, जो पाकिस्तान से पूरा सफर तय कर हिंदुस्तान पहुंची है, उसे वापस उसी सीमा को वापस कहीं पाकिस्तान ना भेज दिया जाए। तो बता दें कि सीमा हैदर और सचिन की बातचीत पबजी के द्वारा ही शुरू हुई थी। पबजी खेलते खेलते ही सीमा हैदर और सचिन के बीच में नजदीकियां बढ़ी थी। 15 दिन के अंदर ही सीमा हैदर और सचिन ने आपस में नंबर एक्सचेंज कर लिया था। इसके बाद लगातार इन दोनों की व्हाट्सएप पे बातचीत भी होती थी। सीमा और सचिन का प्यार इस हद तक बढ़ गया कि सीमा ने तय कर लिया था कि अब वो अपनी सारी जिंदगी सचिन के साथ बिताएंगी और सीमा बिना किसी को बताए सीधा पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान आ गई। लेकिन अब देखना ये है कि इस कहानी की या फिर कह सकते हैं इस प्रेम कहानी का अंत कैसा होता है, या सचमुच सीमा हिंदुस्तान की होकर रह जाती है या फिर वापस सीमा को उनके 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान भेज दिया जाता है। फिलहाल आज का मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें हम आप तक यूं ही पहुँचाते रहें।